हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ये वीडियो मैं आपके लिए खास लेकर के आया हूँ। ये प्रैक्टिकल का वीडियो है। जैसे आपके यहाँ सीरीज स्टार्ट हो गया होगा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, तो इस पे एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। इस प्रोग्राम में हम जो कंसेप्ट इंक्लूड करने वाले हैं, कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, वो कंसेप्ट है आपके क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर से सीरीज कैसे क्रिएट होगी। दूसरा कंसेप्ट रहेगा ट्रैवर्सिंग द सीरीज, सीरीज को कैसे फॉर लूप से ट्रैवर्स करेंगे और उसमें से कैसे डिस्प्ले करेंगे प्राइम नंबर पैलिंड्रोम नंबर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आप पैलिंड्रोम नंबर्स डिस्प्ले कर पाएंगे अपनी सीरीज में से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ एनी 10 नंबर्स। मैंने यहाँ पे लिया है एनी 10 नंबर्स, लेकिन जो प्रोग्राम करके दिखाएंगे वो लेंगे हम एन नंबर्स, ताकि जो एन नंबर जितने भी नंबर्स डालना चाहे डाल सकते हैं। एंटर बाय यूजर एंड डिस्प्ले ओनली पैलिंड्रोम नंबर्स आउट ऑफ देम। तो उस सीरीज में से ओनली पैलिंड्रोम नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये चालू करने से पहले आपको अगर पांडास सीरीज कैसे क्रिएट होता है वो आपने नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाइए, यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन वाला आर्टिकल मिल जाएगा पूरा पांडास का। तो उसका लिंक भी यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके स्टेप्स क्या क्या है। तो ये प्रोग्राम टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है मैंने। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास मॉड्यूल, सबसे पहले पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास जैसे पीडी लिख के। सेकंड में डिक्लेयर एन एम्प्टी लिस्ट टू टेक एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लेंगे और डिक्लेयर करेंगे एक एम्प्टी लिस्ट और उसी लिस्ट में जो भी वैल्यू देंगे उसको अपेंड करेंगे। थर्ड स्टेप में टेक अ फॉर लूप आस्क यूजर टू एंटर नंबर्स टू अपेंड, उसके बाद नंबर एंटर करेंगे और अपेंड करेंगे। क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम द लिस्ट, उसी लिस्ट से सीरीज क्रिएट होगी। ट्रैवर्स सीरीज यूजिंग फॉर लूप से ट्रैवर्स करेंगे सीरीज को। और एड लॉजिक एंड डिस्प्ले पैलिंड्रोम नंबर्स, और एड करेंगे लॉजिक पैलिंड्रोम नंबर्स का। तो चलिए किस प्रकार से होता है ये। तो पाइथन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम तो ओपन ही है, चलिए मैं इसे क्लोज करके आपको एकदम नया प्रोग्राम दिखाता हूँ पूरा। इसी को भी क्लोज किया जाए, हम फिर से करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप्स जो है हमारा पांडास इंपोर्ट करना है, तो उसको इंपोर्ट करेंगे कंट्रोल एन इंपोर्ट पांडास एसपीडी। उसके बाद क्या करना है कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करना है एम्प्टी, और यहां लेंगे एन, एन नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट करने के लिए एन, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहां पे आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद हम लूप लेंगे और जितने नंबर एंटर कराने हैं उसके रिलेटेड वेरिएबल आएगा जो एन है। एक वी ले लेते हैं वैल्यू के लिए इंटीजर, उसके बाद देंगे इनपुट एंटर वैल्यू टू अपेंड, तो लिस्ट में अपेंड करने के लिए वैल्यू डाल दी एल डॉट अपेंड वी। चलिए एक बार वेरीफाई करेंगे इनपुट को कि लिस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो सेव करना है सबसे पहले सीरीज पैली, तो तीन एलिमेंट अभी इंसर्ट करते हैं 23, 25, 65 और लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब लिस्ट क्रिएट होने के बाद हमने जैसे कहा है कि हम सीरीज क्रिएट करेंगे, तो एस ऑब्जेक्ट लेते हैं एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज में हमेशा से ध्यान में रखिए कि आपका एस हमेशा से कैपिटल होना चाहिए। अगर इंडेक्स आप देना चाहते हैं तो इंडेक्स साइड में लिख सकते हैं कॉमा इंडेक्स करके, अगर देना है तो, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो ये सीरीज क्रिएट हो चुका है, चलिए इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, अभी इस प्रिंट की हमें कोई जरूरत नहीं। चलिए देखेंगे, तीन फिर से एलिमेंट इंसर्ट करूंगा 22 और ये तीन डाल दिए और सीरीज क्रिएट हो चुका है। अब इसमें से हमें सिर्फ पैलिंड्रोम नंबर निकालना है, अभी तो तीनों के तीनों पैलिंड्रोम हैं, तीनों के तीनों पैलिंड्रोम हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पैलिंड्रोम के लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन ये रहेगी कि हम ट्रैवर्स करेंगे फॉर आई इन रेंज लैन एस। तो जब भी आपको सीरीज को ट्रैवर्स करना है तो इस तरीके से रहेगा, और हम सीरीज ट्रैवर्स करते हैं तो आई में आ जाता है इंडेक्स और एस आई में आ जाता है वैल्यू। इसको एक बार प्रिंट करके देखेंगे, बीच में कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करता है ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे।
थ्री एलिमेंट्स और तीनों एलिमेंट आ चुके हैं, इंडेक्स भी आ चुका है, तो आई में इंडेक्स है और एसआई में वैल्यू है। अब हम जो करेंगे चेक, वो चेक किससे करेंगे, तो किस में रहेगा, तो सबसे पहले एसआई में हमारा हर एक वैल्यू आ चुका है, तो हर एक वैल्यू एसआई में है तो इसको ट्रैवर्स करना है, तो हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, तो वो रिवर्स नंबर वाला जो लॉजिक एड किया था क्लास नाइन्थ में और इलेवंथ में आपने जो किया था वो यहां पे अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करके आप यहां पे कंसीडर करेंगे हर एक वैल्यू को। तो एसआई में हर एक वैल्यू है उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, व्हाइल एसआई जब तक जीरो नहीं हो जाता, ग्रेटर देन जीरो है तब तक लूप चलता रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको देखेंगे कि रिवर्स है कि नहीं, रिवर्स और दोनों सेम होने चाहिए, तो यहां पे ऐसा ही चलते चलते कंसीडर करेंगे, तो लूप जैसे स्टार्ट करेगा वर्क तो लास्ट में हमारे पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो मॉड्यूल आ जाएगा तो फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे एसआई को एक और वेरिएबल में स्टोर कर देता है, तो टी ले लिया मैंने, टेम्पररी वेरिएबल है टी इक्वल टू एसआई। और रिवर्स के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए, रिवर्स भी हमें कराना है, क्योंकि रिवर्स करेंगे तभी तो पैलिंड्रोम होगा, तो रिवर्स के लिए आर जीरो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो जो भी रिवर्स नंबर आ रहा है वो इसमें जाएगा, किसमें, आर में। तो रिवर्स नंबर कैसे होता है, तो जनरली उसका लॉजिक ये है, रिवर्स पहले हम करेंगे एसआई को मॉड्यूल करेंगे 10 से, मॉड्यूल बाय 10 प्लस, और जो हमारा आर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हमें रिवर्स नंबर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, तो जो नंबर है उस नंबर को मॉड्यूलर डिवीजन में डालो बाय 10, तो इससे रिवर्स नंबर मिल जाता है। देखिए यहां पे हम करेंगे, अगर यहां पे करते हैं हम एसआई, तो एसआई में हमें रिवर्स नंबर मिलेगा, ओके आर में मिलेगा, सॉरी आर है हमारे पास तो आर में मिलेगा, तो जो नंबर रिवर्स होंगे वो मिल जाएंगे। अभी सिर्फ दो नंबर का इनपुट ले लेंगे और 63 का 36 हो गया, 87 का 78 हो गया, तो ये रिवर्स हमने कर दिया। अब हमारे पास एक ही चीज बचा है कि दोनों को कंपेयर करना, तो रिवर्स नंबर हमारे पास आर में है और ओरिजिनल नंबर जो एसआई में आया था वो हमने स्टोर किया है टी में, तो उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए लिखेंगे इफ टी इक्वल्स इक्वल्स आर, क्योंकि एसआई तो जीरो बन चुका है तो उसको ले नहीं सकते, तो यहां पे प्रिंट करेंगे हम जितने भी नंबर आए हैं उसको, तो जो जो नंबर जितने बार प्रिंट होता है आ जाएगा, तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, तीन 131565, तो इसमें दो पैलिंड्रोम नंबर है आपको यहां प्रिंट में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम करना है स्टेप बाय स्टेप, और ये इस तरीके से होगा। अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा है ये बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल वीडियो के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।